स्टूडेंट्स, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में ट्रैकियोफाइट्स का, नॉन स्पर्मेटोफाइट की सारी ग्रुप्स पढ़ लिए थे और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्पर्मेटाइट्स में दो मेजर ग्रुप डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास कहलाता है जिम्नोस्पर्म और एक हमारे पास कहलाता है एंजियोस्पर्म। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिम्नोस्पर्म वो सीड है, एक तो सीड, दोनों जो है वो सीड कंटेनिंग ग्रुप है। इसमें भी सीड मौजूद है, इसमें भी सीड मौजूद है, ठीक है, फ्रूट के अंदर दोनों के सीड मौजूद हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि सीड जो है वो फ्रूट के अंदर छुपा हुआ नहीं होता, बल्कि वो एक्सपोज हुआ हुआ होता है। जबकि एंजियोस्पर्म में जो फूड है वो सीड के अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक। पहला डिफरेंस आपने याद रखना है। तो नेक सीड जो है वो हमारे पास जिम्नोस्पर्म में मौजूद है, जबकि एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो फ्रूट के अंदर छुपा हुआ मौजूद है। दूसरी चीज ये कि जिम्नोस्पर्म जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि इनका डायरेक्ट फ्रूट होता है और फ्रूट के से बाहर सीड भी दिख रहा होता है, जबकि एंजियोस्पर्म है वो फ्लावरिंग प्लांट है और उनका जो फ्रूट है उस फ्रूट के अंदर सीड मौजूद होता है। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले जिम्नोस्पर्म पे आते हैं। भाई सबसे पहले दो तीन चीजें जो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है कि जिम्नोस्पर्म वेस्कुलर प्लांट्स हैं, तभी जिम्नोस्पर्म ट्रैकियोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं। जिम्नोस्पर्म स्पर्मेटोसाइड हैं, तभी उनके अंदर सीड मौजूद होता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म का सीड होता है वो नेकेड होता है। नेकेड का मतलब है वो एक्सपोज हुआ हुआ होता है, वो फ्रूट के अंदर छुपा हुआ नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, और हमने जिम्नोस्पर्म को अगर हम देखें कि इसकी टर्मिनोलॉजी से ये अपने आप को इटसेल्फ इंडिकेट करता है, तो ये जिम्नोस्पर्म इज अ ग्रीक वर्ड, जिम्नो मींस नेक, स्पर्म मींस सीड। तो स्पर्म का मतलब अभी से पहले आप लोग एक गैमिट्स के तौर पे पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इन द बॉटनी एक टर्मिनोलॉजी स्पर्म का मतलब जो है वो सीड से रिलेटेड होता है, ठीक है जी। अभी हम ये भी देखेंगे कि सीड को प्रोड्यूस कौन करता है, क्योंकि अब हम पहले ऐसे ग्रुप पे आए हैं जो ग्रुप सीड बना रहा है। उससे पहले हमने जितने भी ग्रुप्स की बात की थी लास्ट क्लास में, जो ट्रैकियोफाइट्स के ग्रुप थे नॉन स्पर्मेटोफाइट में, उसमें कोई भी जो ग्रुप है वो सीड नहीं बना रहा था, वो हेटरोस्पोरी तक पहुंचा था, बल्कि वो सीड नहीं बना रहा, बल्कि यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म है वो सीड बना रहा है। तो एक प्लांट अपने आप सीड कहाँ से बनाते हैं, तो वो सीड जो है वो अपनी स्केल से बनाते हैं, जो मैं आगे भी आपको बताऊंगी। तो मोस्ट एडवांस जो जिम्नोस्पर्म है वो हमारे पास आता है फर्न, ठीक। तो जब भी हम एक फेमिलियर, एक अबंडेंट, एक स्पीशीज की बात करते हैं किसी भी ग्रुप की, तो हम उसी की लाइफ साइकिल भी डिस्कस करते हैं, उसी के कैरेक्टर को ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो हम साइकिल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो एक जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल है और एक फर्न प्लांट की हमारे पास लाइफ साइकिल है। तो लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, अब आप यहाँ देखें कि ये एक फर्न ट्री है जो कि हमारे पास जिम्नोस्पर्म है। इस फर्न के अंदर आपको दो तरीके के कोन्स नजर आते हैं, एक हमारे पास होता है फीमेल कोन और एक हमारे पास होता है मेल कोन। अब मैं एक एक करके दोनों को डिस्कस करूंगी, मैं दोनों को साथ लेके नहीं चलूंगी, ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आपको ये समझना बड़ा जरूरी है, इसी के बीच में से एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। तो ये पहली जो हमेशा स्टार्ट होती है वो स्पोरोफाइटिक स्टेज से स्टार्ट होती है, आपको पता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है, स्पोरोफाइटिक स्टेज, देन गैमेटोफाइटिक स्टेज, फिर स्पोरोफाइटिक स्टेज, देन गैमेटोफाइटिक स्टेज, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहता है। कुछ जो ग्रुप्स हैं वो स्पोरोफाइटिक स्टेज को डोमिनेंट शो करते हैं, कुछ जो ग्रुप है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज को डोमिनेंट शो करते हैं। डोमिनेंट का मतलब है ज्यादातर वो ही हमारे पास जनरेशन शो होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले फीमेल कोन की बात करेंगे। देखिए जी, पहली तो चीज आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास फीमेल कोन है, वो फीमेल कोन हमारे पास जो है वो लार्ज साइज की होती है। फीमेल कोन का साइज बड़ा होता है, जबकि मेल कोन का साइज छोटा होता है। अब आप इसको देख लें, इस मेल, ये जो फीमेल हमारे पास कोन मौजूद है, फीमेल कोन के हमारे पास दो तीन नाम है। एक हमारे पास नाम है ओव्यूलेट कोन और दूसरा हमारे पास है हार्ड कोन, ठीक। तो फीमेल कोन को हार्ड कोन भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा हार्ड सा स्ट्रक्चर इसका होता है।
दूसरा ओविलेट कोन भी कहते हैं और तीसरा फीमेल कोन भी कहते हैं। अब इस ये देख लें इसके स्केल्स, आपने बॉटनी की जब आपने लैब्स की होंगी तो आपने फर्न को हाथ में उठा के देखा भी होगा और डेफिनेटली आपने फीमेल कोन को ही उठा के देखा होगा, तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे स्केल्स होते हैं मौजूद। तो अगर हम एक स्केल को, अगर मैं एक स्केल इसका हटाती हूँ यहाँ से रिमूव करती हूँ, तो उस एक स्केल को जैसे ही मैं रिमूव करूंगी तो उसके नीचे मुझे एक स्ट्रक्चर नजर आएगा और उस स्ट्रक्चर को मैं कहूंगी ओव्यूल। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या दिख रहा है, ये आपके पास ओव्यूल दिख रहा है। इस ओव्यूल के ऊपर आपको पता है इंटेगुमेंट बॉडी भी मौजूद है, ठीक, जो मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर ये हमारे पास ओव्यूल है, ठीक है जी, तो इसके ऊपर हमारे पास जो है वो इंटेगुमेंट आउटर कवरिंग भी मौजूद है। अब आप इस देखें, आप इस ओव्यूल के अंदर एक हमारे पास स्पोर मौजूद है एंड दैट स्पोर इज कॉल्ड मेगा स्पोर। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास फीमेल होती है वो मेगा स्पोर बनाता है बनाती है, जबकि जो मेल कोन होता है या मेल वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वो माइक्रोस्पोर बनाता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोडक्शन हुई है वो किसकी हुई है, वो यहाँ पर मेगा स्पोर की हुई है। अब क्या होता है कि ये जो मेगा स्पोर है ये अपने आप को मियोटिकली डिवाइड करता है, और जब ये अपने आप को मियोटिकली डिवाइड करेगा तो अब ये हमारे पास एक स्पोर नहीं कहलाएगा, बल्कि ये अपने आप को मजीद बहुत सारे स्पोर में कन्वर्ट कर देगा, जिनमें से बहुत सारे डीजेनरेट भी हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ अगर ये मियोटिकली चार बना रहा है तो उसमें से तीन तो डीजेनरेट हो जाएंगे और एक बच जाएगा, फिर ये अपने आप को चार बनाएगा, फिर ये यानी कि दो दफा मियोसिस के बाद। अच्छा, और ये भी आपने याद रखना है कि ये हमारे पास जो ये मेगा स्पोर है ये डिप्लॉयड इन नेचर है, तो ये जैसे ही डिप्लॉयड अपने यहाँ पर मियोसिस करेगा तो ये एकदम से हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पर हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा देन हमारे पास दो टाइप के प्रोमिनेंट जो है स्पोर शो होंगे जिन्हें हम आर्चिगोनियम कहते हैं। अच्छा, इनमें से एक को आप कहेंगे एग जबकि दूसरे को आप कहेंगे एंडोस्पर्म। मैंने क्या बोला है, एक को आप क्या कहेंगे एग कहेंगे, दूसरे को आप क्या कहेंगे एंडोस्पर्म कहेंगे। अच्छा, एग तो वो है जो आगे जाके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, ये एंडोस्पर्म क्या है, बेसिकली एंडोस्पर्म आगे जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उस एग को, न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना इसको, न्यूट्रिशन जैसे एक आप एक एग की बात करते हैं तो उसमें योक जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो प्लांट के अंदर अगर ये हमारे पास एग मौजूद है तो उसका जो दूसरा है वो हमारे पास एंडोस्पर्म मौजूद है, ई एन डी ओ एस पी ई आर एम। अब इस पूरे को आप मेगा स्पोर नहीं कहेंगे बल्कि आप इस पूरे को बोलेंगे इम्ब्रियो सैक। आप इस पूरे को क्या कहेंगे, आप इस पूरे को कहेंगे इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक कहेंगे, या फिर आप फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे, इम्ब्रियो सैक, या आपसे कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ये चीजें हैं जो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि मेगास्पोर मियोटिकली अपने आप को डिवाइड करेगा, तो मेगास्पोर के अंदर ये जो ये हमारे पास मेगास्पोर है ना, जिसे जिसे आप मेगास्पोर भी कह सकते हैं, जिसे आप मदर सेल भी कह सकते हैं, ये डिप्लॉयड है, जबकि ये हमारे पास मियोटिकली जब अपने आपको डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है एक जो गैमीट होता है वो हमेशा हैप्लॉयड इन नेचर होता है, ताकि तभी दो गैमीट आपस में मिलते हैं तो वो डिप्लॉयड बनाते हैं एंड देन जायगोट में अपने आप को कन्वर्ट करके न्यू सीड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आज ये साइड तो मैंने आपको कंप्लीट बता दी, अब आ जाते हैं उसी के दूसरी साइड पे। एक फर्न के अंदर एक दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है जिसे आप कहते हैं मेल कोन। ठीक, आप क्या उसे कहते हैं, आप उसे कहते हैं मेल कोन। अच्छा, इसके भी दो तीन नाम है, इसे मेल कोन भी कहते हैं, इसे पोलन कोन भी कहते हैं और इसे सॉफ्ट कोन भी कहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एज सच हार्ड स्केल्स मौजूद नहीं होते जितने इस फीमेल कोन में मौजूद होते हैं। अब इसका ये जो एक पोलन कोन का एक, आप अगर ये स्केल, क्योंकि ये सॉफ्ट कोन है तो इसका स्केल भी सॉफ्ट मौजूद है, एज सच हार्ड मौजूद नहीं है। तो आप ये एक स्केल देखते हैं, उस स्केल के अंदर बहुत सारे स्पोर्स मौजूद हैं और उन स्पोर्स को आप कहते हैं माइक्रोस्पोर। तो ये जो थैली की तरह स्ट्रक्चर है इसको आप कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि वो ये पाउच है जिसके अंदर स्पोर्स मौजूद है। अब क्या करेगा, क्योंकि ये भी डिप्लॉयड था तो ये भी स्पोर भी डिप्लॉयड होगा, तो ये अपने आप को मियोटिकली बहुत सारे
स्पोर्स में कन्वर्ट करेगा, माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि पूरी माइक्रोस्पोर की साइकिल चलेगी, ठीक है। ये अपने आपको म्योटिकली डिवाइड करेगा, और आपको पता है म्योटिकली डिवाइड जब होता है तो एक सेल अपने आपको चार में डिवाइड करते हैं, तो अब इनको आप कहेंगे पॉलन। अब आप इनको क्या कहेंगे, अब आप इनको कहेंगे पॉलन्स, जो कि हमारे पास हैप्लॉइड इन नेचर थे, जबकि जो माइक्रोस्पोर था वो हमारे पास डिप्लॉइड इन नेचर था। अब ये हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर। अब आप जरा एक पॉलन को जरा जूम करके देखें तो आपको पता है जो पॉलन होता है वो उसके ऊपर विंग्स लगे हुए होते हैं, यानी कि मूविंग लोकोमोशन के लिए, क्योंकि उसने जाके फीमेल जो हमारे पास एग मौजूद है उसके साथ फर्टिलाइज होना है और उसने पॉलिनेशन करनी है। तो इस वजह से इसका जब आप इस एक पोलन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास विंग्स मौजूद है, यानी कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल लोकोमोशन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि वो लोकोमोट होके एग के साथ फर्टिलाइज होगा। तो विंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। अब इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे, एक पोलन ग्रेन कहेंगे, या एक इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, पोलन कहेंगे, या आप इस स्ट्रक्चर को कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। अब आप इसके अंदर देखें कि ये जो पोलन है इसके अंदर स्पर्म्स मौजूद है, क्या मौजूद है, स्पर्म्स मौजूद है, और कितने स्पर्म्स मौजूद है, दो स्पर्म्स मौजूद है। हर एक पोलन ग्रेन में दो स्पर्म्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर स्पर्म्स की काउंटिंग कोई नहीं होती, क्योंकि वो एक एक के साथ एक ही जाके फर्टिलाइज होता है। लेकिन जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो ये स्पर्म्स की काउंटिंग बड़ी अहमियत करती है, क्योंकि इनके जो दोनों स्पर्म होते हैं वो दोनों ही एग के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी कि इस एग के साथ भी हो जाते हैं और एंडोस्पर्म के साथ भी हो जाते हैं, तभी इस फिर उस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह एंजियोस्पर्म में अभी बताऊंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ये होता है हमारे पास दूसरा स्पर्म मौजूद होता है, ये हमारे पास बेसिकली कहलाता है ट्यूब सेल। इसे ट्यूब सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से एक ट्यूब अराइज करता है, और ये ट्यूब अराइज तब करता है जब ये पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू आता है, उड़ता है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो इसका यहाँ पर अब हमारे पास एक एग फीमेल गैमेटोफाइट मौजूद था, उसके आगे आके अटैच होता है। जैसे आके अटैच होता है तो ये अपनी यहां से इस एरिया से ट्यूब बनाना शुरू करता है, तो ये ट्यूब बनाएगा नीचे, और ट्यूब बनाने के बाद अपने स्पर्म्स जो थे रिलीज करता है, और एक ही स्पर्म रिलीज होता है, और वो एक ही एग के साथ जो एक्चुअल में एग है उस एग के साथ वहां पर फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज होने के बाद जब जैसी भी वो फर्टिलाइज होगा अब उसको आप कहेंगे एम्ब्रियो, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड है, जब जब स्पर्म उसके साथ क्या कहते हैं, स्पर्म एक एग के साथ फर्टिलाइज हो गया, देन आप इसे कहेंगे एम्ब्रियो, आप इसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। अच्छा, अब ये दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड थे, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गए, ये हमारे पास डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो गए, देन ये हमारे पास इसने सीड दिखाया, एंड देन सीड जो है वो अगेन जो है वो एक मैच्योर फर्न में अपने आप को चेंज कर देगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पूरी जो है वो लाइफ साइकिल है। ये आपको उसकी फ्लो डायग्राम भी पता होनी चाहिए, आपको उसके जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं कि पहले वो डिप्लॉयड था, फिर वो हैप्लॉयड होगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, उससे पहले सबको आप कहेंगे पोलन ग्रेन्स, फिर आप उसे कहेंगे मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर, फिर आप उसे कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, फिर वो जाएगा पोलन ग्रेन के अंदर दो स्पर्म्स मौजूद है, कितने स्पर्म मौजूद है, दो स्पर्म मौजूद है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो ये हमारे पास जो साइकिल थी वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें हमने फर्न की एक एग्जांपल यहाँ पे ली। अब हम आ जाते हैं दूसरी मेन जो हमारे पास इसमें मेटोफाइट का ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है वो हमारे पास ग्रुप है प्लांट का, जिसके फ्लावर मौजूद है, दे आर फ्लावरिंग पार्ट, और उसका सीड जो है वो फ्रूट के अंदर मौजूद है। और ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि सीड ही अपने आउटर रीजन में एक पल्प लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करता है, जिसे आप फ्रूट कहते हैं। तभी आप जब मैंगो खाते हैं तो वो पल्प होता है और उसके अंदर सीड आपको दिखता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म आपने याद रखना है कि एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट डोमिनेंट प्लांट इन द वर्ल्ड। प्लांट वो प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट है, आपको हर जगह फ्लावर हम आप प्लांट्स को नॉर्मल जो शख्स होता है वो प्लांट्स को आइडेंटिफाई उसके फ्लावर से करता है, कि प्लांट वो है जिसके बाद फ्लावर है और उसके बाद रूट है, स्टेम, लीव, फ्लावर,
फैलाती हूँ, ठीक है जी। तो एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट डोमिनेंट प्लांट, ये यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे किंगडम एनिमेलिया में जो हमारे पास आर्थ्रोपोडा है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट है ना, हर जगह मौजूद होता है, और डोमिनेंट डोमिनेंट एक ऑर्गेनिज्म है, डोमिनेंट स्पीशीज है, डोमिनेंट फाइलम है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास एंजियोस्पर्म है वो सबसे डोमिनेंट प्लांट है, और 88% जो प्लांट किंगडम है वो इससे बिलोंग करता है, ठीक है। प्लांट किंगडम में 88% जो हमें डोमिनेंट स्पीशीज नजर आती हैं वो इसको, अच्छा डोमिनेंट का मतलब ये हुआ इट इज अ मोस्ट सक्सेसफुल, इट इज अ मोस्ट डोमिनेंट एंड द मोस्ट एडवांस प्लांट ऑन अर्थ, ठीक है। जो चीज सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मौजूद होती है। अब हम आ जाते हैं एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पे। देखो भाई, इसकी प्लांट फ्लावर मौजूद है ना, तो फ्लावर ही इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, ठीक। ये जो है वो एक स्पर्मेटोफाइट प्लांट है, स्पर्मेटोफाइट मैच्योर स्पर्मेटोफाइट प्लांट के अंदर दो गैमीट्स मौजूद है हमारे पास, एक हमारे पास कहलाता है एंथर, एक हमारे पास कहलाता है ओवरी, ठीक है। आपको पता है ये जो हमारे पास एंथर होता है ये किससे कनेक्टेड होता है, स्टिग्मा से कनेक्ट होता है, ठीक। तो हम एक एक करके दोनों की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले एंथर है, एंथर के अंदर ही, एंथर के अंदर क्योंकि ये स्पोरोफाइटिक है ना, तो यहां पर जो एंथर के अंदर जो हमारे पास माइक्रोस्पोर मौजूद होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, लेकिन जैसे ही म्योटिकली अपने आप को फौरन से, पहला स्टेज क्या होता है, फटाफट से वो डिप्लॉयड अपने आप को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि उसने आके गैमेट्स बनाने। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हैप्लॉयड है, ये पहले डिप्लॉयड थे, म्योटिकली अपने आप को डिवाइड करेंगे, और जब ये म्योटिकली अपने आप को डिवाइड करेंगे तो ये अपने आप को माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब जो हमारे पास स्पोर्स बनेंगे, क्योंकि हम पहले मेल्स की बात कर रहे हैं, तो मेल हमेशा माइक्रोस्पोर बनाता है जबकि फीमेल हमेशा मेगास्पोर बनाता है। अब ये जब माइक्रोस्पोर बन जाएगा तो ये अपने आप को अब माइटोटिकली डिवाइड करके अपने नंबर्स बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसने अपने आप को फिर कन्वर्ट कर दिया, अपने नंबर बढ़ा दिए, जो है अपने आप को माइटोटिकली इसने अपने आप को डिवाइड किया, और जब इसने अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड किया तो यहाँ आपके पास दो स्पर्म नजर आ रहे हैं, एक को आप जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को आप ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, जैसे मैंने पिछली में भी बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। क्योंकि जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो आगे जाके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद वो अपनी पॉलिनेशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है जी। ये तो बात समझ में आ गई आपको इसकी, मेल जो है वो साइकिल की। अब आ जाते हैं फीमेल, ठीक है जी। मेल की इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, फीमेल की बड़ी समझने वाली है। अच्छा जी, फीमेल हमारे पास यहाँ पर ये देख लें, पहली ओवरी के अंदर हो रहा है, ओवरी के अंदर ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ओव्यूल, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, ओव्यूल। अब इस एक ये जो ओव्यूल है इसके अंदर क्या मौजूद है, मेगास्पोर मौजूद है। आपको पता है ओव्यूल जब, यानी के ये जो मेगास्पोर है, यानी के ओव्यूल जो है ना ये भी मेगास्पोर ही है ना भाई, वो मेगास्पोर जो इंटीग्रमेंट से कवर हो उसे ओव्यूल कहते हैं। तो ओव्यूल डिप्लॉयड है, जब ये अपने आपको म्योटिकली डिवाइड करेगा, तो म्योटिकली जब डिवाइड करेगा तो कितने में डिवाइड करेगा, चार में, उस चार में से तीन जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे जबकि एक बचेगा, तो एक जो बचेगा वो मेगास्पोर है, तो उस जो एक बचेगा उसे आप कहेंगे सर्वाइविंग मेगास्पोर, ठीक। दोबारा मैं बता देती हूँ, एक जो बचेगा उसे आप कहेंगे सर्वाइविंग मेगास्पोर। एक क्यों, एक को सर्वाइविंग मेगास्पोर क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे पास तीन जो है वो डिजेनरेटिव है, एक जो है वो हमारे पास अपने आप को प्रॉपर तरीके से, उसने एक रह गया, तीन डिजेनरेट हो गया, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि यहां पर इसने यहां पर मियोसिस के बाद ये अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करेगा। अब आप ये चीज अपने पास लिख लें कि ये माइटोटिकली अपने आप को थ्री टाइम्स डिवाइड करेगा। कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, थ्री टाइम्स डिवाइड करेगा। तो मैं अगर ये कह रही हूं कि एक जब माइटोसिस होती है तो उससे दो बनते हैं, तो जब तीन दफा करेगा तो कितने बनेंगे, दो, दो चार, दो छह। तो यहां पर कितने बन गए, अब छह बन गए, ठीक है। कितने बन गए, छह बन गए। क्या छह बन गए, छह मेगास्पोर बन गए। अब उन छह मेगास्पोर में से दो अपने आप को क्या कर लेते हैं, दो अपने आप को वही फर्टिलाइज, दो अपने आप को ज्वाइन कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है।
फ्यूज कर लेते हैं, और ये जो फ्यूज्ड हमारे पास न्यूक्लियाई होता है इसे आप कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये अपने पास लिखते जाएं। ये जो फ्यूज्ड न्यूक्लियाई है उसे फ्यूज्ड एग है उसे आप कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अच्छा, अब इन छह के छह में से एक एग है, बाकी सारी पोलर बॉडीज हैं, जिनमें से एक ऐसी पोलर बॉडी है जो कि पोलर न्यूक्लियाई बन गई, यानी कि फ्यूजन। देखो, यानी कि ये जो एग है ये हैप्लॉइड है, जबकि ये पोलर न्यूक्लियाई है ये डिप्लॉइड है, ये ऑलरेडी क्या है, डिप्लॉइड है। तो अब यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ गई, एक आपको एग नजर आ गया, दिस इज अ एग, और एक आपको एक पोलर बॉडी नजर आई जिसे आप पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जिसे आप डिप्लॉइड कह रहे हैं। अब ये हमारे पास जो ये जो बन गया है, क्योंकि इसके ऊपर एक बॉडी भी अटैच है ना, ये इंटीग्रमेंट भी अटैच है, तो ये हमारे पास कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ कहलाएगा एम्ब्रियोसाइट। तो आप देख लें, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कोई इतनी ज्यादा डिसिमिलैरिटी नहीं है, सारी लाइफ साइकिल तकरीबन हूबहू एक है, पर थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, जो जो आपने इसकी डिस्क्रिमिनेशन डिफ्रेंसिएशन याद रखनी है। अच्छा, अब क्या हो गया कि ये तो डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो अब यहाँ पे आया ये हमारे पास क्या हुआ, ये एंथर जैसी ही आया, इसने क्या किया, ट्यूब ट्यूब जो है वो यहाँ पे आके अटैच हुआ, ट्यूब बनाई, ट्यूब बनाने के बाद अपने एक में से ये जो दो थे ना इसके पास स्पर्म, दो रिलीज किए, और होता ये है कि दोनों ही फर्टिलाइज हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में एक फर्टिलाइज हो जाता, जबकि एंजियोस्पर्म में दोनों फर्टिलाइज, एक हुआ फर्टिलाइज उस एग के साथ, एक फर्टिलाइज हुआ किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड के साथ। तो जब डिप्लॉइड के अंदर एक और एन एड हो जाता है तो वो कितना बन जाता है, तो बन जाता है ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो यहां पर एक ट्रिप्लॉइड फर्टिलाइजेशन हुई है और एक डिप्लॉइड फर्टिलाइजेशन हुई है, तो इस फर्टिलाइजेशन को आप कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये हमारे पास जायगोट, अच्छा फर्टिलाइजेशन डबल होती है लेकिन जायगोट तो एक ही बनेगा ना, क्यों, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन होके उसने अपने आप को एंडोस्पर्म में कन्वर्ट कर दिया, और आपको पता है ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या है, ये आगे जाके अपने आप को एक न्यूट्रिशन के तौर पे सर्व करेगा इस बॉडी के लिए, ठीक है, इस बॉडी के लिए न्यूट्रिशन के तौर पे सर्व करेगा। तो है जायगोट, ये जो ट्रिप्लॉइड है ये हमारे पास एंडोस्पर्म कहलाता है जो कि फूड सप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जायगोट है, देन ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, एंड देन इसने अपने आप को दोबारा जर्मिनेट करके दोबारा एक स्पोरोफाइट फ्लावरिंग स्पोरोफाइट प्लांट में कन्वर्ट कर, ये देख लें। अच्छा, अब एक और चीज याद रखनी है, लेट सपोज ये सीड है, अब होता क्या है कि इस सीड के अराउंड में एक थिक कवरिंग आ जाती है, ठीक है, एक इस सीड के अराउंड में एक थिक कवरिंग आ जाती है, इस थिक कवरिंग को आप कहते हैं फ्रूट, एक्चुअल का जो फ्रूट है ना, यानी कि आम है तो उसका जो पल्प है ना वो थिक कवरिंग है उस सीड की, ठीक। तो पहले सीड बनता है, सीड के ऊपर बनती है थिक कवरिंग, तो ये हमारे पास एक जो है वो एंजियोस्पर्म की एक कंप्लीट लाइफ साइकिल यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब कर दी गई है। ओके जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक, दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड। अब हमने ये तो देख लिया कि सीड कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे सीड बना, अब यानी कि हमारे पास एंजियोस्पर्म में दो टाइप के ग्रुप्स आ जाते हैं, एक आता है मोनोकॉट, एक आता है डाइकॉट। देख लें, मोनोकॉट वो सीड है जिसमें एक कॉटिलेडन है, जबकि डाइकॉट वो सीड है जिसमें दो कॉटिलेडन। आप खुद देख लें कि डाइकॉट क्यों कह रहे हैं, ठीक है, दो कॉटिलेडन है, एक बुक की तरह इसकी कवरिंग है, एक शेल की तरह इसकी कवरिंग है, राइट। कॉटिलेडन का अपर पार्ट कहलाता है एपिकोटाइल, देन द लोअर पार्ट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, ये आपको सारी लेबलिंग याद रखनी है। अच्छा, द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट, और सीड कोट के अलावा इसे आप कहते हैं टैगमा, क्या कहते हैं, टैगमा, और इस नॉच लाइक स्ट्रक्चर को आप कहते हैं हाइलम, ठीक। तो ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने याद रखनी है। सीड कोट के फौरन बाद एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड रेडिकल, ठीक है जी, वही रेडिकल होता है जो आगे सीड को या तो जो है वो स्टेम में बनाता है या फिर वो रूट्स में ओरिजिनेट करता है। ओके, सो हमारे पास दो
टॉपिक है मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड. मोनोकॉट सीड इज वन कॉटिलेडन. वाई डाइकॉट टू कॉटिलेडन. एपिकोटाइल का पता होना चाहिए, हाइपोकोटाइल का पता होना चाहिए. एंडोस्पर्म मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. एंडोस्पर्म हमारे पास जो एक न्यूट्रिशन फूड सप्लाई के तौर पर एक्ट करता है, राइट. सो दीज आर ऑल अबाउट द मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड.